वहीं पीलीभीत की पूरनपुर तहसील के मटेहना कॉलोनी पुल के पास एक दुकान में अराजक तत्वों ने आग लगा दी। ये मामला पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र की चौकी घुगचिहाई का है, जहां आग में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आपको बता दें कि मटेहना पुल के पास पीड़ित अखिलेश अपनी परचून की दुकान और मुर्गा बेचकर घर का पालन पोषण करता था। पीड़ित अखिलेश के मुताबिक पुरानी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। मान लीजिए कोई रंजिश में ही किसी ने मेरी दुकान जला दी, मैं घर पे दुकान बंद करके जैसे घर गया, घर जाके हमारे लड़के का तबीयत खराब था, मैं दवा लेने चला गया। दवा लेके आ रहा था उधर से, जब तक दुकान में आग लग चुकी थी। जैसे जो इधर के लोग हैं जो सामने गांव से ये नीचे देखते हैं लोग, तो मान लो यहाँ से एक लड़का है सरदार का, एक लड़का गया मेरे घर पे बताने के लिए कि तुम्हारे घर में आग, दुकान में आग लग गई है। तो जब तक मैं उधर से आ भी रहा था दवा लेके, क्या कह रहा तुम्हारे झोपड़े में? झोपड़े में मेरे बहुत सामान था दुकान दौरी का, जैसे मैं मुर्गा उर्गा भी काट के बेचता हूँ गाँव में। वहीं पीलीभीत के जहानाबाद थाना क्षेत्र में बिजली की तारों से निकली चिंगारी से गेहूं की फसल में आग लग गई। आग लगने से लगभग 13 बीघा गेहूं का खेत जलकर खाक हो गया। जली हुई फसल की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि खेतों से गुजरने वाली बिजली की तार ठीक नहीं है, जिसकी कई शिकायतें कई बार बिजली विभाग से की गई, लेकिन बिजली विभाग की तरफ से इस समस्या पर कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हो गया। और पीलीभीत से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, तेज रफ्तार मिनी बस खाई में गिरी, हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बहराइच से शिमला जा रहे थे मजदूर। गजरौला थाना क्षेत्र के मोड़ेगा पुलिया पर यह पूरा हादसा हुआ है। तो पीलीभीत से बड़ी खबर, तेज रफ्तार मिनी बस खाई में गिरी, हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। संजय शुक्ला हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। संजय, फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? तेज रफ्तार मिनी बस खाई में गिरी है, 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अनन्या, जैसा कि आपको जानकारी देना चाहूंगा कि पीलीभीत के NH 723 पर जो कि आसाम हाईवे होते हुए ये लोग बहराइच से शिमला के लिए जा रहे थे, और इस बस में जो है सारे मजदूर लोग भरे हुए थे। ये छुट्टी पे होली पर अपने घर पे आए हुए थे। होली मनाने के बाद जो है अपने काम करने के लिए जो दोबारा से ये लोग अपने घर से जो है बहराइच से शिमला के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में गजरौला थाना क्षेत्र में मुलायला गांव पड़ता है, वहां पर पुलिया पर जो है अनियंत्रित होकर ये मिनी बस जो है खाई में पलट गई। पलटने के बाद में पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, और मौके पर पहुंचने के बाद में जो घायल लोग थे उनको एम्बुलेंस के मदद से जो है जिला अस्पताल पहुँचवाया गया, जहाँ पर उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। और जिसमें आपको बताना चाहूंगा कि 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं, जिसमें 6 लोगों की हालत गंभीर है, और फिलहाल तो अभी स्थिति उनकी, डॉक्टरों का कहना है कि अभी उनकी स्थिति जो है सुधार में है, और उनको जो प्राथमिक उपचार देकर उनकी देखरेख की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय शुक्ला।